गाइस इन्फेंट यानी कि नवजात बच्चे कितने क्यूट होते हैं ना, लेकिन जब वो रोते हैं तो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि नवजात बच्चे यानी कि नए नए जन्मे बच्चे के आंसू निकलते ही नहीं है? शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन ये बात सच है। नवजात यानी कि नए नए बच्चे जो जन्म लेते हैं उनके आंसू कभी नहीं निकलते, क्योंकि तब तक उनके टीयर डक्ट्स यानी कि आंसू वाली नलियां डेवलप्ड ही नहीं होती। हाँ, एक महीने बाद से 3 महीने तक उनकी आंसू की नलियां डेवलप हो जाती हैं और उसके बाद वो रोना शुरू करते हैं तो साथ में आंसू भी निकलते हैं। है ना ये अमेजिंग फैक्ट? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप अपने आधार कार्ड से मैक्सिमम कितनी सिम इशू करवा सकते हो तो आप लोग क्या कहेंगे? क्या इस सवाल का जवाब आपके पास है? चलिए मैं आपको बताता हूं, और ये चीज आपको बड़े ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि ये चीज आपको बहुत काम आएगी। ट्राई यानी कि टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार आप अपने आधार कार्ड से मैक्सिमम 9 सिम इशू करवा सकते हो, जिसमें से भी 6 सिम एक ऑपरेटर की होगी और बाकी बची हुई 3 सिम आप दूसरे ऑपरेटर की लोगे। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, आप अपने आधार कार्ड से मात्र एक ही नंबर कनेक्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, आप नंबर चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन फ्यूचर आप लोग याद रखिए कि आप 9 सिम से ज्यादा मत इशू करवाइएगा अपने नाम से, अगर आपने करवा भी ली तो आप ट्रबल में आ सकते हो। रिसेंटली हुए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के एक प्रैक्टिस मैच में बुमराह का एक शॉट ऑस्ट्रेलियन बॉलर ग्रीन के सीधे मुंह पे लगा, तो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े मोहम्मद सिराज अपनी क्रीज छोड़ते हुए और अपना बैट छोड़ते हुए सीधे ग्रीन के पास पहुंच गए। वो रन आउट हो सकते थे, उन्होंने रन की भी परवाह नहीं करी और वो सीधे ग्रीन को संभालने पहुंच गए। इस खेल भावना को देखते हुए ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने सिराज की जमकर तारीफ करी। इस पर सिराज ने कहा कि उन्हें उस वक्त जो दिखा वही उन्होंने किया, उन्हें रन लेना नहीं दिखा बल्कि उन्हें यह दिखा कि ग्रीन को बहुत तेज बॉल लगी है, उन्हें ग्रीन की चिंता होने लगी और वो सीधे ग्रीन के पास पहुंच गए। गाइस, इस खेल भावना को देखते हुए सिराज के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइस, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।